नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने दूसरे चरण के लिए मंगलवार शाम थमने वाले चुनाव प्रचार से पहले पश्चिम बंगाल की सबसे हॉट सीट नंदीग्राम में वोटरों को लुभाने के लिए चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। इसी कड़ी में सोमवार को ममता बनर्जी इस सबसे अहम चुनावी क्षेत्र में सुबह 11 बजे से नंदीग्राम ब्लॉक 2 में खुदीराम मोड़ से ठाकुर चौक तक 8 किलोमीटर का रोड शो किया। मालूम हो कि नंदीग्राम विधानसभा सीट इस बार के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में यहां से ममता बनर्जी और हाल ही में टीएमसी छोड़ बीजेपी में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी के चुनाव लड़ने की वजह से सबसे अहम सीट बनी हुई है। ममता बनर्जी के लिए तो ये सीट साख का मामला बन चुकी है। आपको बता दें कि चुनाव प्रचार के दौरान शुभेंदु अधिकारी ने कहा था कि अगर ममता में हिम्मत है तो वो नंदीग्राम से चुनाव लड़कर दिखाएं। उन्होंने कहा था कि अगर वो यहां से चुनाव लड़ती हैं तो वो उन्हें हरा कर ही दम लेंगे। ममता ने शुभेंदु की चुनौती स्वीकार करते हुए नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का फैसला किया था। शुभेंदु अधिकारी ने कहा था कि बीजेपी नंदीग्राम में ममता को 50,000 से ज्यादा वोटों से हराएगी। वहीं बीजेपी ने ममता को नंदीग्राम में कड़ी टक्कर देने के लिए कमर कस ली है। यहां मतदान से पहले पार्टी के कई दिग्गज नेता शुभेंदु अधिकारी से समर्थन में चुनावी रैलियां करेंगे। मंगलवार को गृह मंत्री अमित शाह का यहां रोड शो होना है। इसके अलावा अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के भी यहां रैली करने की संभावना है। इससे पहले पीएम मोदी ने शुभेंदु अधिकारी के समर्थन में यहां रैली की थी। उनके अलावा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी यहां रैली कर चुके हैं। दोनों ही पार्टियां आखिरी पल तक वोटरों को लुभाने की कोशिश में जुट गई हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा की 294 सीटों के लिए 8 चरणों में मतदान होना है। अंतिम चरण 29 अप्रैल को होगा। वहीं चुनाव परिणाम 2 मई को घोषित किए जाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।